पता नहीं सुमन कहाँ रह गई है, फोन भी नहीं लग रहा है उसका। अभी तक आई क्यों नहीं है? लो आ गई सुमन। बेटा तो कहाँ रह गई थी, कहाँ थी? सुमन तू ठीक है ना? तू कहाँ रह गई थी? सुमन बेटा तुम जो काम करने गई थी वो हुआ कि नहीं? और तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? नाना जी हमें माफ कर दीजिएगा, वो फोन साइलेंट पे था, हमारा ध्यान ही नहीं गया। वैसे हमारे पास आप सबके लिए न्यूज़ है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी। क्या? क्या बात कर रही, क्या खुशखबरी है? बड़े पापा की रिपोर्ट्स आ गई हैं और उसमें क्लियरली लिखा है कि उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है, वो बस बीमारी का नाटक कर रहे थे और अपने परिवार वालों को धोखा दे रहे थे। ये तो बहुत अच्छी खबर है बेटा। बस अब मधुसूदन को सजा देने से कोई बचा नहीं सकता। ब्रेकिंग न्यूज, भागलपुर शहर के सबसे प्रसिद्ध बिजनेसमैन राय बहादुर झा के बड़े बेटे मधुसूदन राय बहादुर झा असाइलम से भाग खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। आई हो दादा। अरे ये तो भाग गया, अब क्या होगा? लेकिन ये कैसे हो सकता है, वो अभी तो वहीं थे। मधुसूदन तू? टिंकू हमारा टिंग डिंग 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 डिंग। ये आप क्या कर रहे हैं बड़े पापा, आप यहाँ क्यों आए? मार दिया जाए और छुपने से कुछ होने वाला नहीं है का छोड़ दिया जाए। बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? एक एक करके प्रसाद तो सबको मिलेगा, मौत का प्रसाद, लेकिन पहले किसको मिलेगा ये हम डिसाइड करेंगे। चारों तरफ तलाशी लो, मधुसूदन यही कहीं छुप के बैठा होगा, भागने न पाए। जल्दी जाओ। क्या बात है, यहाँ पर इतनी पुलिस क्यों है? बेटा पुलिस वालों का ये कहना है कि मधु भैया अस्पताल से भाग गए। भाग गए? अंशुमा जी डॉक्टर का ये कहना है कि जब आज आप मधुसूदन से मिलने गए तो उनकी और आपकी वाइफ की बहस हो रही थी। हाँ वो बस 1-2 मिनट के लिए, पर अब सब ठीक है। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि बहस के बाद वो गुस्सा होकर वहाँ से भाग गए। सर हमने घर का पूरा कोना छान मारा, वो यहाँ नहीं है। अंशुमा जी फिलहाल तो हम यहाँ से जाते हैं, लेकिन उनका जैसे भी कुछ अता पता चले तो हमें बताइएगा जरूर, वाकई बहुत ही खतरनाक इंसान है। आओ। अंशुमन भैया मेरे पापा खतरनाक नहीं, जरूर सुमन ने पापा को उकसाया होगा, जिस वजह से पापा की मानसिक स्थिति बिगड़ गई होगी और वो वहां से भाग गए होंगे। ये सब सुमन की वजह से हो रहा है भैया। और बड़के बउआ बताए क्यों नहीं कि वो सुमन हमारे साहब जी को मिलने गई थी? हैं? काहे नहीं बताए? समझ गए हम, समझ गए। तुम भी ना उसी का साथ दे रहे हो, तुम भी हमारे साहेब जी के दुश्मन ही हो। दुश्मन पूछ गए हम ही बात। और नहीं तो काजी जी इसलिए तो हमारे मधु जी को बचाने के लिए पैसा देने से इनकार कर दिया है। बस कीजिए आप लोग, बहुत हो गया। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, इस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि बड़े पापा भागकर कहाँ गए होंगे। कहाँ होंगे बड़े पापा? बहुत मजा आ रहा है तुम लोगों को, ऐसे छटपटा तो हो जाए। सोच रहे हैं शुरुआत किससे की जाए? क्यों ना ये शुरुआत तुमसे की जाए, क्योंकि आज जो भी हमारे साथ हो रहा है, इन सब के साथ हो रहा है, उसके कारण तो तुम ही हो ना सुमन। हमें भी पागलखाने तुम्ही ने भिजवाया था, अब हम तुम्हें ऊपर भिजवाएंगे। सुमन को छोड़ दो, तुमको जो कुछ करना है तुम मेरे साथ करो, तुम मुझे मार दो। हाँ वैसे एक तरीका है इस सुमन को छोड़ने का। बताओ क्या तरीका है? तुम जो कहोगे हम करने को तैयार है, लेकिन सुमन को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए आज ही ताजा ताजा बनवाया, देख रहे हैं मामी, और बहुत उत्सुकता हो रही थी ना देखने की, लो ई का है? ई है माफीनामा, इस पे हस्ताक्षर कर दीजिए बस, फिर सब कुछ कुशल मंगल है। अरे कर दो। अरे सुमनिया कहाँ सोच रही है, कर दे साइन, इस पगलेट से पीछा छुड़ा ले, सबकी जान ले लेगा रे। मामी बहुत समझदार है, काहे नहीं मानते उनका कहना, कर दो। अरे साइन ही तो करना है। नहीं, हम आपके गिरे हुए चाल में नहीं फंसने वाले, हम मर जाएंगे लेकिन इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे। हमें पता था कि तुम्हें तो अपनी जान की फिक्र है नहीं, लेकिन किंतु परंतु अपनी ये प्यारी दोस्त हमारी भाभी, इसकी तो बहुत फिक्र होगी ना तुम्हें। आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। चलिए अभी माफीनामे पर तनिक हस्ताक्षर कर दीजिए और कल कोर्ट में जाकर हमारे पक्ष में गवाही भी देंगी। साइन करती है कि इसे मार दूं? नहीं, ये पेपर्स। अरे वक्त क्यों लगा रही हो, करो साइन, जा हम अपना काम करें। नहीं सुमन, तुम इस पेपर पर साइन नहीं करोगे, तुम इस मुजरिम को आजादी नहीं दोगी क्योंकि ये डिजर्व ही नहीं करता, तुम इसे सजा दिलाओगी। अपने माँ पापा के लिए, अपने भाई के लिए, वरना शिखर मुझसे सारे रिश्ते तोड़ देगा। ऐसे मरने से अच्छा है कि मैं अभी मर जाऊं। मार दो मुझे, मार दो। अरे क्या सहेली सहेली लगा रखी है तुम लोगों ने, हम यहाँ मौत का खेल खेल रहे हैं और तुम लोगों का सहेली सहेली का खेल ही खत्म नहीं हो रहा। अब हम 3 तक गिनेंगे, इसके बाद जो भी होगा उसके लिए तुम जिम्मेदार होगी सुमन। 3, 2 नहीं, हम साइन कर रहे हैं। नंदिनी शांत रहो तुम, हम साइन कर रहे हैं बड़े पापा, प्लीज गन नीचे कर लीजिए, देखिए हम साइन कर रहे हैं। साइन कर दिया, और फिर घर नीचे कीजिए और ये भी खोल दीजिए। ये हुई ना बात, बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुमने हमारा कहना माना, हम तुम्हारा मानेंगे। बस ये सब कुछ इतना ही तो आसान था, लेकिन तुम हो कि चीजों को घुमा फिरा के उलझा डालती हो। लेकिन जो तुमने हमें तकलीफ दी है ना, उस तकलीफ का हर्जाना तो तुम्हें सोच समेत चुकाना पड़ेगा। अब आखिरी वक्त अपनी दोस्त को अलविदा कह दो। हमारे साथ चालाकी, चालाकी में हम तुम्हारे उस्ताद हैं। अरे अब तक तो हम सिर्फ खेल खेल रहे थे, अब हम तुम लोगों के साथ वो करेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। मरना तो एक एक करके सबको पड़ेगा, लेकिन ये तय कर लो, एक फैसला ले लो कि पहला नंबर किसका लगेगा। और हाँ, एक बात हम पहले ही बता दे रहे हैं, जितना हमें तड़पाया है ना, उतना ही तुम सबको तड़पना होगा। अंशुमन जी, बड़े पापा यहाँ हैं, प्लीज मदद कीजिए। भगवान जी करें कि अंशुमन जी ये मैसेज समय रहते पढ़ लें। अरे अरे आप हमारी जान के पीछे पे क्यों पड़े हैं मधुसूदन जी, आपको जितना नजला उतारना है ना, इन दोनों का उतार लीजिए, हमें छोड़ दीजिए। देखिए हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, हम तो आपके फैन हैं। चलिए इस नज़ारे को थोड़ा सा और रोमांचक बनाते हैं, एक बढ़िया सा खेल खेलते हैं। ये लीजिए, अरे पकड़िए पकड़िए पकड़िए। सच्चाई की मूर्ति, सबकी रक्षक, रक्षक है ना आप तो सबकी, तो अब सबकी रक्षा तुम करोगी। इस डंडे से इनको इतना मारेंगी कि एक एक चीख इनकी आत्मा से निकलनी चाहिए और पूरे मोहल्ले को सुनाई देनी चाहिए। जहां तुम्हारा हाथ रुका वहां हमारी गोदियों की रासलीला शुरू हो जाएगी। नहीं बड़े पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी दुश्मनी हमसे है ना, हमें मारिए। ये बंदूक में जितनी भी गोली है हमारे सीने में दाग दीजिए, लेकिन हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे परिवार को दर्द मत पहुंचाइए प्लीज। अब तुम अपना काम शुरू कर रही हो कि हम अपना काम शुरू करें? एक मिनट सुमनिया, मरने से अच्छा है ना कि मार ले। अरे तो हमसे ही शुरू कर ले। चल शाबाश। नहीं लगना मुझे, हम खुद ही मार लेते हैं, हम मार लेते। मामी मामी मामी, सुमन अपने परिवार को डंडे मारने वाला पवित्र काम अपने हाथों से करोगी ना तो बहुत मजा आएगा। करो, अरे करो। कर ले सुमनिया, देख ये मार देगा, वो पागल आदमी है। मार ले बेटा, मार ले। मामी हमें माफ कर दीजिए। शुभन जी आप कहाँ हैं? सुमन की मिस कॉल्स, उसे कॉल करता हूँ। और ये मैसेज भी है। अंशुमन जी, बड़े पापा इस वक्त घर पे हैं, मदद कीजिए। इसका मतलब बड़े पापा सुमन के घर पहुंच गए। कहीं वो सुमन के साथ नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बढ़ गए बाबा, हमको पैसा चाहिए। अभी क्या भी धरो हमारे हाथ में। बड़ी माँ प्लीज अभी मुझे जाने दीजिए, शायद सुमन की जान खतरे में। सुमन की जान को खतरा है? क्या हुआ बेटा सुमन को, ठीक तो है ना? माँ बड़े पापा हॉस्पिटल से भागकर सुमन के घर चले गए, अब बाकी की बात तो वहीं जाकर पता चलेगी, लेकिन अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। अरे रुको, इधर आओ और हमको एक बात बताओ कि हमारे साहिब जी उस सुमन के घर काहे जाएंगे जबकि उनको अच्छे से पता है कि उनको सबसे बड़ा खतरा उस लड़की से है। अरे वो आएंगे तो यहाँ आएंगे ना, अपने घर, अपने परिवार में, जहाँ वो सुरक्षित है, अपनों के बीच। समझ गए हम, समझ गए। जरूर तुम मियाँ बीबी ने मिलके उनको अस्पताल से भगा के फंसाया है। अरे हमसे खेल मत खेलो, हम सब बूझते हैं, बूझे? अरे हम बड़ी माँ है तुम्हारी, बड़ी माँ। जी, कहीं इन लोगों ने मिलके उनको मार तो नहीं दिया? हाय, अब तो हम दोनों को भी सफेद साड़ी पहननी पड़ेगी। जीजी कल के अखबार में आ जाएगा, पति ने पत्नी का बदला लिया और 2 पत्नियां विधवा हो गई। नहीं, ये दिन नहीं देखना था जीजी। ये क्या हो गया? बस अरे रुक जाओ। अरे दीदी रुक जाइए, भगवान के लिए रुक जाइए, जाने दीजिए अंशुमन को। अरे पापा ये सब देखिए, ये लास्ट और फाइनल खेल होगा, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। वो अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉमिस, वो प्रॉमिस। चलिए हम बताते हैं क्या खेल है। इतार तो बहुत लंबा रखा है तुमने अपने घर का, है खेले का बहुत मजा आएगा। आइए तनिक यहाँ आइए। सुमन जी तुमने क्या कहा था? झटका देने से बुद्धि ठिकाने आ जाती है, कहा था ना? अभी उसी झटके से तुम्हारे परिवार वालों की बुद्धि भी ठिकाने लाएंगे हम लोग। करंट खेलेंगे। हाँ, करंट का झटका देना खेलते हैं। अपने परिवार वालों को करंट का झटका लगाओगी तुम। आपने हमारे परिवार वालों को बहुत टॉर्चर कर लिया, अब आपको जो करना है हमारे साथ कीजिए। आपको हमें मारना है, करंट के झटके देने, सब हमारे साथ कर लीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे परिवार को छोड़ दीजिए, उनके साथ कुछ मत कीजिए। बेटा तुम ये सब अकेले सहन नहीं करोगी। वहीं रहो। पापा जी आप लोगों को जितना सहन करना था आप लोगों ने कर लिया, अब सहन करने की बारी हमारी है। नहीं मधुसूदन, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, तुम सुमन को हाथ भी नहीं लगाओगे। हाँ, सैक्रिफाइस इसे कहते हैं, परिवार का एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना है। आप इन सब की बातें मत सुनिए, लगा दीजिए करंट, दे दीजिए हमें झटका, लेकिन हमारे परिवार को छोड़ दीजिए। सही कहा तुमने, झटके तो तुम्हें ही लगने चाहिए क्योंकि अक्ल भी तो तुम्हारी ज्यादा चलती है ना। ठीक है, अब मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि सारे फार्मर्स का माइंड ही ब्लॉक कर दूंगा। कहा माँ, एक बात बताओ, तुम हमारी माँ हो कि दुश्मन? वीडियो बनाने से पहले इतना लाउड ऑडियो दे दिया है कि क्या बताएं। अरे बच्चा, तू बड़ा कब बनेगा बताओ हमें। हम जो है इस हवेली के राजकुमार बनाने के सपने देख रहे तुम्हें, और तुम हो कि इस कठपुतलियों से पीछा ही नहीं छुड़ाती। जल्दी से उठा इसको। क्या हुआ? कुछ नहीं ना जीजी, पहले आप बैठ जाओ जीजी, फिर हम अपने मन की बात आपको बताएंगे। बैठ जाओ। वो कहाँ है ना जीजी, आज सच बताए तो हमारा मन बहुत ही ज्यादा दुखी। इस पूरे हवेली में आपकी और हमारे आरती बिटिया की कोई औकात ही नहीं। अब देखिए ना जीजी, माना कि हमारे मधु जी यहाँ नहीं है, पर उनकी जायदाद पे, उनके काम काज पर तो आप दोनों का हक है कि नहीं? पर ना जीजी ना, यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही है। देवर जी, देवरानी जी और उनके बच्चों का ही सब कुछ है। हाँ, ये सब आप क्या कह रही हैं? हमारी छोटी माँ ने और छोटे पापा ने हमें कभी भी किसी चीज की कमी होने नहीं दी है। देखो आरती बिटिया, तुम दोनों को चालाकी से बहला फुसला के छोटी मोटी चीजें देके बता लिए हैं, पर इस हवेली में, इस जायदाद में हिस्सा तो नहीं ना दिया। उमा, क्या कर रही हो? जो भड़का रही हो बड़की बहू को और आरती बिटिया को। नहीं नहीं भाऊजी, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हम तो बस हमारे जीजे का हाल दिल बता रहे थे। हमारा मतलब है हम उनके दिल को थोड़ा शांति दे रहे थे। हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। आपने कुछ सुना? बाबूजी, क्या गलत कह रही है ये? एक एक शब्द सही है इसका। अब तो फैसला होकर ही रहेगा। देखा है, अरे इसमें करंट क्यों नहीं आ रहा है? तुमने कोई गड़बड़ी की है ना सुमन? अगर तुम लोगों में से किसी ने भी गड़बड़ी की तो छोड़ूंगा नहीं, याद रखना, उड़ा दूंगा मैं। मैं आ रहा हूँ सुमन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आई एम कमिंग। किसी ने कोई गड़बड़ी नहीं की है बड़े पापा, ये ऊपर वाले का इशारा है। बुराई पे अच्छाई की जीत ही होती है, बुराई कभी नहीं जीत सकता। नहीं, बकवास बंद कर। अरे आखिर तुम चाहते क्या हो? सारी बातें तो तुम्हारी मान ली है हमने, सुमन ने पेपर भी साइन कर दिए। हमारे पास और भी बहुत से साधन हैं, अभी बताते हैं। देखो, आओ आओ तनिक यहाँ, इधर आइए, सोचिए मत, आइए। सुमन, नहीं भैया रुको। अरे लाइट किसी ने बंद किया है? हमसे कोई चला के नहीं दिखाएगा। अगर किसी ने चला के दिखाई तो तड़पा तड़पा कर मारेंगे सुमन, जैसे तेरे माँ बाप को मारा था ना, वैसे तुम सबको तड़पा तड़पा कर मारेंगे हम। हमसे चला के मत दिखाओ। और उसके बाद नकली पागलपन का नाटक करके हम यहाँ से निकल जाएंगे। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और सबको जैसे अभी नचा रहे हैं आगे भी अपने इशारों पर नचाएंगे। नहीं बड़े पापा, भाई आयुष्मान बहुत हो गया आपका नाचना नचाना। बड़े पापा अब आपका खेल खत्म। तुम कब आए? मुरली वाले की कृपा से वक्त पर आ गया बड़े पापा, और आपके दिल का हाल आपकी जुबान से सुन लिया। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। मतलब हम समझे नहीं। समझ जाएंगे, पुलिस आती ही होगी। जब आप सलाखों के पीछे जाएंगे तो मेरा यकीन मानिए सब समझ जाएंगे। अरे लेकिन पुलिस को क्यों यहाँ बुलाया? ये सब कुछ तो सुमन के कारण हो रहा था ना। बड़े पापा गन छोड़िए। हम छोड़िए हमें, छोड़िए हम छोड़ दीजिए। ये क्या कर रहे हैं? हिलना मत। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। ये मानसिक रूप से बीमार नहीं है, बल्कि इनका दिमाग तो इतना शातिर है कि इन्हें नाचना और नचाना अच्छे तरीके से आता है। ले जाइए इन्हें। सुमन, अंशुमन तुम दोनों ने मधुसूदन को पुलिस के हवाले करके अच्छा नहीं किया। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। 7 जन्मों तक पछताओगे तुम लोग। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं। अब तो सारा सच आपके आंखों के सामने आ गया ना भाई। अब तो है ना आपको अपनी सुमन पर यकीन। मुझे माफ कर दो सुमन, I'm really sorry. It's okay.